हेलो दोस्तों, यूट्यूब मैथ मस्ती चैनल पर आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको जीके जीएस पढ़ाता हूं और अभी रेलवे, खास करके रेलवे के एनटीपीसी का की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग ऐसे फॉर्म भर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं लंबे समय से आपको इंतज़ार था और अब आपकी तैयारी पूरे तरीके से होनी भी चाहिए। तो चलिए, मैं आपको क्लास वाइज आपको है सो करेंट अफेयर्स का स्पेशल आपको है सो क्लास वाइज करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कराता हूं और यह आज मेरा पहला क्लास होगा आपको करंट अफेयर्स का। बिल्कुल पहला क्लास होगा और इसके तहत मैं आपको बता देता हूं कि मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा पहले और ये सारे 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और प्रयास होगा कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 आपको करंट अफेयर्स का आपको यह क्लास लेकर आऊँ। तो ये जीके जीएस का क्लास होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तो चलिए हम लोग है सो ये करंट अफेयर्स की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन आपको, बिल्कुल पहले क्वेश्चन को लेकर आते हैं हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन होगा, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है देश के सबसे लंबे रेल रोड, यहाँ देख सकते हैं देश के सबसे लंबे रेल रोड बोगीबिल ब्रिज किस राज्य में स्थित है। देश के सबसे लंबे रेल रोड बोगीबिल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने में है, ए में जम्मू कश्मीर, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में असम और डी में सिक्किम। बिल्कुल, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे आपको असम। आप जैसा कि जानते हैं कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये है सो बोगीबिल ब्रिज बनाया गया है। ये रेल एवं सड़क पुल है, एक साथ बने हुए हैं ये पुल और यह जो है सो भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, आपको भारत का सबसे लंबा यह पुल है। और अगर बात करें तो यह है सो असम में धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को यह है सो जोड़ता है, धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 4.94 आपको किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब चूंकि ब्रह्मपुत्र की भी चर्चा नदी की आ गई तो थोड़े से ब्रह्मपुत्र को हम लोग जान लें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उस ओर अर्थात चीन में, हिमालय पर्वतमाला के उस ओर चीन में आपको तिब्बत से मानसरोवर पर्वतमाला से यह है सो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत के उत्तरी भाग में समानांतर बहती हुई, चीन के समानांतर बहती हुई यह अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में प्रवेश करती है। आपको वह जहाँ से प्रवेश करती है वह जगह का नाम नामचा बड़ुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी को आपको सिक्किम में शांगपो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, शांगपो के नाम से। और भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद असम राज्य से होती हुई बांग्लादेश में जाती है और फिर बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलकर वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फिर यह ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ बोगीबिल ब्रिज है, रेल सह सड़क दोनों साथ में है। और बोगीबिल को अगर बात करें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा सेतु है अगर लंबाई के दृष्टिकोण से कहें। वहाँ पर मैं बताया कि भारत का प्रथम इसलिए कि रेल सह सड़क पुल, लेकिन अगर केवल हम लोग इसकी लंबाई के हिसाब से इसकी बात करें तो यह जो है सो चौथा सबसे बड़ा है और एशिया का आपको जो है सो दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क अगर की बात करें तो एशिया में दूसरा और भारत में पहला। तो भारत में पहला और एशिया में दूसरा रेल सह सड़क पुल है और इसका उद्घाटन है सो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को किया गया और इसलिए यह है सो काफ़ी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला हम लोग है सो दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न है, अभी हाल में मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन निर्वाचित हुए और आंसर है ए में ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल, उसके बाद कमलनाथ, सी में आपको अजीत सिंह और डी में रमन सिंह। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे, कमलनाथ। बिल्कुल कमलनाथ हो जाएंगे इसके आंसर। और चलिए एक और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी के समय के लिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जब भी देश की आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे उस समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये जापान
जापान है सो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत कर और नेताजी को गिफ्ट किए थे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और उसी समय नेताजी इस द्वीप के दो द्वीपों का नाम आपको स्वराज्य और शहीद द्वीप रखे थे। उस समय के बाद ये नाम तो नहीं परिवर्तित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं सो इस द्वीप के नाम आपको बदले। तो देखिए यहाँ पर है सो अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम जो रखा गया है वो कौन से ऑप्शन आपके सामने हैं, नील द्वीप ए में है, बी में हैवलॉक द्वीप, सी में रॉस द्वीप और डी में कारद्वीप। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे आपको, हाँ रॉस द्वीप, बिल्कुल रॉस द्वीप हो जाएंगे। और चलिए इसको थोड़ा सा जानिए कि जिस आपको है सो द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं परिवर्तित कर पाए वो आपको है सो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीन द्वीपों का नाम अभी हाल में परिवर्तित किया गया और उसके नाम क्या क्या रखे गए, इन तीनों द्वीपों को जरूर से याद कर लीजिए। तो पहला हम लोग देखते हैं रॉस द्वीप को, और पहला है आपको रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित करके इसी नाम इन्हीं का सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया है। इसके बाद दूसरा द्वीप है आपको और इसका नाम है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम आपको, नील द्वीप का नाम बदलकर और इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप रखा गया है। और तीसरा है आपको हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप और इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। तो ये तीनों का नाम आप जरूर से लिख लीजिएगा, स्वराज द्वीप। तो बड़े ही महत्वपूर्ण आपको ये प्रश्न बनते हैं। और चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बिल्कुल विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है 4 जनवरी, 30 दिसंबर, 18 नवंबर और 6 जनवरी। तो आपको आप थोड़ा सा प्रयास करिए क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही हैं। और 4 जनवरी को है सो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और ये एक्चुअली ब्रेल लिपि होती है और ब्रेल लिपि अंधों के पढ़ने लिखने की वह लिपि है। और आप जैसा कि देखते होंगे कि अंधे लोग जो हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ अक्षर उत्कीर्ण रहते मतलब ऊपर की ओर उभरे हुए रहते हैं, उनको स्पर्श कर वह पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में आपको एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए उसका नाम है सो लुई ब्रेल के नाम पर ब्रेल लिपि है। और विश्व ब्रेल लिपि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिवस पर आपको मनाया जाता है, बिल्कुल। तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बनाए गए हैं, बिल्कुल अभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बनाए गए हैं। और आंसर है ए शशिकांत दास, बी उर्जित पटेल, सी रघुराम राजन और डी है सो केसी पाल, बिल्कुल केसी पाल। और आंसर क्या हो जाएंगे आपको यहाँ पे, बिल्कुल बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं, शशिकांत दास जानते हैं। जैसा कि उर्जित पटेल के द्वारा आपको है सो त्यागपत्र देने के बाद आपको बने। अब थोड़ी सी बात क्यों ना कर लें हम लोग आरबीआई का, बिल्कुल आरबीआई की चर्चा कर लें, कुछ बातें आरबीआई की। आरबीआई के विषय में आप जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको कब की गई, 1 अप्रैल 1935 को एक स्थापना, इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, बिल्कुल इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और यह भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है और सभी बैंकों का एक तरीके से संचालक है या फिर हेड कहेंगे आप। एक और प्रश्न आते हैं इसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी, तो वो था कमीशन का नाम है हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन
यंग कमीशन, ये आपको है सो इनके अनुशंसा पर। बहुत बार प्रश्नों में ये पूछे जाते हैं। और एक और प्रश्न आता है आरबीआई के विषय में कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, 1949 में राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था आपको। तो ये आपको आरबीआई के विषय में महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ आपको आरबीआई के गवर्नर थे वर्तमान। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए हम लोग ऐसा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2018 का ताज पहनाया गया। बिल्कुल, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2018 का ताज बनाया गया। और ऑप्शन आपके सामने में है, ए है वेनेसा पॉल डी लियोन, बी में है मानुसी छिल्लर, सी में है डायना सिंटी और डी में है उन्ना हैथवे। उन्ना हैथवे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वेनेसा पॉल डी लियोन। बिल्कुल, वेनेसा पॉल डी लियोन हो जाएंगे। और चलिए थोड़ा सा है सो मिस वर्ल्ड के विषय में भी चर्चा हम लोग कर लें। तो मिस वर्ल्ड विश्व प्रतियोगिता एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो प्रतिवर्ष महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। अब ये जो आपको हैं वेनेसा पॉल डी लियोन्स, ये किस देश की हैं। तो ये आपको मैक्सिको देश की हैं। और इससे पहले 2018 की मिस वर्ल्ड है। और इससे पहले 2017 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी वो कौन थी आप जानते हैं। बिल्कुल, मानुसी छिल्लर। मानुसी छिल्लर कहाँ की रहने वाली थी, हरियाणा की। तो महत्वपूर्ण ये भी बात है कि मानुसी छिल्लर 2017 हरियाणा की। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग विश्व सुंदरी के विषय में जान ले, चूंकि परीक्षाओं में जब विश्व सुंदरी की बात आती है तो कुछ उसमें से चुनने को कह दिया जाता है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ये दोनों में डिफरेंसेस करने को कहा जाता है। और मिस वर्ल्ड के नाम डाल दिए जाते हैं, साथ में एक यूनिवर्स के नाम डाल दिए जाते हैं। बता पूछा जाता है कि इनमें से कौन से हैं सो मिस वर्ल्ड नहीं है, तो हम लोग क्यों ना जान लें आपको। तो सबसे पहले हमारे भारत की पहली जो है मिस वर्ल्ड बनी थी वो है रीता फाड़िया। बिल्कुल, तो एक नंबर में रीता फाड़िया बनी। कब बनी रीता फाड़िया, 1966 में। आपको रीता फाड़िया बनी थी 1966 में। फिर उसके बाद दूसरी महिला बनी वो है ऐश्वर्या राय। बिल्कुल, दूसरे नंबर में ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। और ये जो है ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय कब बनी थी, तो ये 1994 में, 1994 में। फिर तीसरी महिला जो बनी है वो है डायना हेडन। तीसरी महिला बनी डायना हेडन, और वो 1997 में, डायना हेडन ये बनी 1997 में। और फिर चौथी महिला, ये बार बार पूछे जाते हैं इसलिए लिखवा रहे हैं, युक्ता मुखी, युक्ता मुखी। और युक्ता मुखी जो बनी है वो 1999 में, 1999 में। और फिर पांचवी महिला जो आपको मिस वर्ल्ड बनी वो है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। और प्रियंका चोपड़ा बनी 2000 में, 2000 में आपको बनी। और उसके बाद अभी नवीनतम 2017 में मानुसी छिल्लर। बिल्कुल, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं, मानुसी छिल्लर। ये आपको बनी 2017 में, लंबे समय के बाद। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको आप अपने कॉपी में जरूर से नोट कर लेंगे। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। और क्वेश्चन है, हाल में किसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय पिछले 7 वर्षों में दोगुनी हो गई। प्रति व्यक्ति आय पिछले 7 वर्षों में दोगुनी हो गई। तो आप है सो इसको अगर आप ऑप्शन को अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप ऑप्शन में आसानी से इसके आंसर को खोज सकते हैं। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो क्या हो जाएगा,
बिल्कुल आप सही हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बिल्कुल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और ये आपको ऑप्शन बी हो जाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सांख्यिकी संगठन, और थोड़े से हम लोग हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO अर्थात C सेंट्रल, S स्टैटिक्स और O ऑर्गेनाइजेशन, CSO के नाम से जाना जाता है, अर्थात सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल स्टैटिक्स, STATI स्टैटिक्स, CS स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, STATI CS होगा, या STICS स्टैटिस्टिक्स हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ORGA ऑर्गेनाइजेशन, NATION। तो ये आपको इसके आपको फुल फॉर्म हो जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। और इसकी स्थापना, आपको स्थापना की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी स्थापना जो हुई, ये जो है सो 2 मई 1951 को हुई थी, 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। और यह भारत में सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। इसकी बात करें तो यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, और CSO का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है CSO का मुख्यालय। अगर एक महत्वपूर्ण बात करें CSO के विषय में, तो भारत के हमारे देश के वार्षिक राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सो CSO के द्वारा ही किया जाता है, तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी है इसका। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग है सो 8 देखते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 में है, हाल में SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, हाल में SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और ऑप्शन आपके पास है कुमार राजेश चंद्र, बी में है विक्रम सिंह, सी में है आदेश गोयल, और डी में है सचदेव सिंह। तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे कुमार राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र। और कुमार राजेश चंद्र के विषय में बता दें कि राजेश चंद्र जो है सो 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं, और उनका कैडर जो है सो बिहार का है। ये आपको अगर बात करें तो सशस्त्र सीमा बल किसे कहते हैं, तो यह अर्धसैनिक बल नेपाल और भूटान, बिल्कुल दो को ध्यान दीजिएगा, दो देश को नेपाल और भूटान के सीमा से लगती भारतीय सीमाओं की सुरक्षा आपको है सो करती है, सशस्त्र सीमा बल, ये आपको सशस्त्र सीमा बल तो ये जो है सो नेपाल और भूटान से सटे, नेपाल और भूटान से सटे सीमाओं से हमको है सो सुरक्षा हमारे देश को करती है। और इसकी स्थापना की बात करें, तो आपको इसकी स्थापना जो है सो 1963 में की गई थी, और इसका भी मुख्यालय जो है सो नई दिल्ली है, मुख्यालय नई दिल्ली है, तो यह भी आपको बड़े महत्वपूर्ण है आपको। और SSB एस सशस्त्र को एस, सीमा को एस और बी, ये SSB इसका हो गया शॉर्ट नेम SSB। और बिल्कुल आंसर है सो ए है, ए आंसर होगा कुमार राजेश चंद्र, बिल्कुल कुमार राजेश चंद्र, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। हाल ही में महिला विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ किया गया, ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है
जालंधर और डी है जैसलमेर। बिल्कुल सभी आपको है सो राजस्थान के ये क्षेत्र हैं, जयपुर, जोधपुर, जालंधर और जैसलमेर, और आंसर हो जाएंगे क्या, सी। बिल्कुल सी आंसर हो जाएंगे, अर्थात जालंधर, जालंधर, जालंधर हो जाएंगे। और थोड़ा हम लोग जालंधर को देखें तो राजस्थान के जालंधर जिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के काम करने पर इस सम्मेलन में आपको जो है सो महिला विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में जोड़ दिया था। तो बड़े महत्वपूर्ण आपको चूंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये इस तरीके के प्रश्न आपको, तो ये जालंधर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, इसमें से किसे 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, और ऑप्शन आपके सामने में है, शंख घोष, अमिताभ कांत, और सी में अमिताभ घोष, और डी में कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती तो आंसर हो जाएंगे अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। बिल्कुल, और थोड़े से हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में जान ले, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, और यह भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं कि क्या दिए जाते हैं। और अगर बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, और सबसे पहले आपको दिया गया था जी शंकर कुरूप को, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो चलिए ये 10 प्रश्नों का यह सीरीज मैं लेकर आया, और मैं प्रतिदिन इस तरीके का करेंट अफेयर्स का यह सीरीज लेकर आऊँगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कॉमेंट्स जरूर से देंगे, और मैं और भी इसमें बहुत कुछ सुधार करने वाला हूँ। दोस्तों साथ ही यह भी बता दूँ कि मैं अनएकेडमी, जैसा कि आप टी शर्ट देख रहे होंगे, मैं अनएकेडमी से जुड़ा हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए वहाँ पे प्लस कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ, जो लाइव क्लास मैं डायरेक्ट आपके द्वारा जुड़कर आपको लाइव क्लास भी पढ़ाऊँगा। तो बहुत सारे दोस्तों अनएकेडमी के में बहुत सारे मैंने वहाँ पे आपको कोर्स डाल रखे हैं, जो आपको रेलवे की तैयारी के लिए काफ़ी ही आपको यूजफुल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो लोग अनएकेडमी से जुड़े हैं उनको तो जा ही रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे अनएकेडमी को फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो अनएकेडमी लर्नर एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लें, और वहाँ पर आप हमारे नाम को सर्च करें। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसका, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, और जो लोग वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं वो आपको अनएकेडमी लर्नर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप है सो इंस्टॉल करें, वहाँ जाकर हमारे नाम को आप वहाँ पे डालेंगे। मेरा नाम हुआ अनिल कुमार पांडे, बिल्कुल ANIL, अनिल KUMAR, अनिल कुमार पांडे PANDEY, और आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो हम वहाँ दिख जाएंगे। और वहाँ जाकर सबसे पहला काम करिएगा, आप है सो फॉलो बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वहाँ पर लेसन डाल रहा हूँ, इस तरीके का बहुत सारा लेसन डाल चुका हूँ, और जो भी नया डाल रहा हूँ करेंट अफेयर्स का और सीरीज के रूप में, तो वो आपको निरंतर मिलता रहे और आपकी तैयारी में वो काफ़ी लाभदायक होगा। क्योंकि मैं स्पेशल अब है सो रेलवे के लिए अनएकेडमी में जो लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ वो टोटली रेलवे NTPC के ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। तो चलिए नीचे आपको लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, जो कि नीचे आपको दिखेंगे, वहाँ पे आप एक हल्के छोटे से बटन एरो बने हुए हैं उसको दाबिएगा तो नीचे खुल जाएंगे, वहाँ लिंक दिखेंगे, आप उससे भी है सो वहाँ जाकर और उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अपने कॉमेंट्स को जरूर दिखेगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यदि उन्हें अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नए वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपको मिलते रहें। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं क्लास 2 में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।